तुम अब दोबारा जॉब के लिए शायद आपके घर नहीं जाओगी क्या? ऐसे ही है? जाऊंगी इशल से मिलने के लिए। तुम्हें बहुत पसंद करती है। हाँ बहुत, बिना किसी लालच के। बच्चे ऐसे ही प्यार करते हैं। कुछ बड़े भी ऐसे ही प्यार करते हैं। वैसे होना तो ऐसा ही चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। देखो कह कौन रहा है। समझा नहीं मैं। नहीं कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उफ। हाँ अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम मेडिसिन्स ले रही हो या नहीं? हाँ लेनी तो थी, मगर जल्दी जल्दी मैं दवाई लेना भूल गई। मैं रुको मैं देखती हूँ। ओह नहीं मैं घर पे ही भूल आई हूँ। लेकिन तुम्हारे भाई ने तो कहा था कि दवा की जरूरत नहीं है। उसे कहाँ पता होगा, डॉक्टर ने बताया था किस किस टाइम पर खानी है और अब शाम में मुझे वो दवाई खानी होगी। ठीक है हम रास्ते में किसी मेडिकल से दवाई ले लेते हैं। हाँ ठीक है लेते हैं। मैं जाकर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं जाके ले आता हूँ। अभी आया मैं। कौन सी दवाई थी? ठीक है तुम मैसेज कर दो मुझे। मैसेज करती हूँ मैं। हेलो बाबा। क्या कह रही हो बेटी? हैप्नोटाइज बदीने? या अल्लाह। ठीक है बेटी ठीक है, तुम फौरन एड्रेस भेजो। जल्दी करें हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। किससे बात कर रही थी? कुछ भी नहीं, घर से कॉल आई थी बस। दवा ले आया मैं। बहुत शुक्रिया। पानी भी लाए। शुक्रिया तुम्हारा। केमिस्ट ने कहा है कि ये दवा बहुत पावर्स की है। हाँ ऐसी ही दवा है शायद। अल्लाह सेहत दे। बिल्कुल जल्दी से अच्छी हो जाओ। शुक्रिया। बेटा उठो चलते हैं। हाँ जल्दी उठो जल्दी। अब क्या हो गया? बदी मर गया, उसके घर जाना होगा। घर में हमारे भी कुछ निशाना छोड़े होंगे उसने। कैसे? बेटा रास्ते में बताऊंगा, अभी किताब भी ढूंढनी होगी। भानु को भी बता दो। ठीक है तो फिर अम्मी को भी बता दूं क्या? देखो मेरी बात सुनो, तुम अम्मी को अभी रहने दो, उसका ना जाना ज्यादा बेहतर है। चलो जल्दी। हाँ अच्छा ठीक है। कैसी हो, दवा से कुछ बेहतर महसूस हुआ? नहीं बहुत सर दुख रहा है। देखो मैं तुम्हें घर छोड़ के अकेला ही चला जाता हूँ। नहीं 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 बस तुम थोड़ा आहिस्ता चलाओ, मेरा सर घूमने लगता है अगर बहुत तेज गाड़ी चलाएं तो। अच्छा ठीक है। बाबा मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा ख्याल है। बेटा और कोई रास्ता नहीं है। बाबा क्या आपको यकीन है कि वहाँ कोई नहीं है? बेटी यकीन से नहीं कह सकते,
इसलिए हमें हर तरह से तैयार रहना होगा।